हेलो मेरे फूडीज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फूडी नियर रिश्ता। तो आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ उधमपुर की बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज वेलकम टू माय चैनल फूडी नियर रिश्ता। और आज दोबारा से एक और स्ट्रीट फूड का जो व्लॉग है वो शेयर हो रहा है आप सबके साथ। तो मैं आज आ चुकी हूँ पाव भाजी खाने। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी। तो लोकेशन बता देती हूँ लैंडमार्क के लिए, आप यहाँ पे ये जो है पुरुषोत्तम धाम इसको रख सकते हो। एंड इसी के साथ इसके बिल्कुल ही साथ में वुडलैंड का भी शोरूम है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये रहा वुडलैंड का शोरूम और बिल्कुल उसी के साथ जो है भैया यहाँ पे अपनी पाव भाजी की जो दुकान है वो लगाते हैं। एंड अभी चलते हैं, भैया से भी पूछेंगे कि कब शुरू करते हैं एंड क्या सब है और जानते हैं पाव भाजी के बारे में। तो चलो, तो ठीक है गाइज, अब मैं भैया से भी पूछ लेती हूँ। तो भैया आप कितने बजे सुबह यहाँ पर आ जाते हो? शाम को 3 बजे बाद ही आते हैं। अच्छा, शाम को 3 बजे के बाद आते हो और कब तक जो है वो आप? रात को 10-11 बजे तक भैया यहीं पर रहते हैं। तो आपकी जो पाव भाजी है उसके क्या रेट्स है? पाव भाजी के स्पेशल पाव भाजी वो 60 रुपए। अच्छा, तो ये बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी क्यों है इसका नाम? ये बॉम्बे की डिश है और स्पेशल बॉम्बे की पाव भाजी है। अच्छा, तो भैया का कहना है कि ये स्पेशल बॉम्बे की ही पाव भाजी है। तो भैया एक प्लेट लगा दो मेरे लिए आप फटाफट से, फिर टेस्ट करते और बताते हैं व्यूअर्स को कि कैसी है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर भैया जो है वो भाजी तैयार कर रहे हैं और भाजी का कलर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज दिख रहा होगा बिकॉज भैया ने इसमें फूड कलर यूज़ करा है जिससे कि दिखने में और ज़्यादा ब्राइट लगे जो भाजी है हमारी। और ये भाजी साइड पर तैयार हो गई है और अब यहाँ पर भैया ने मक्खन डाला है इसमें ढेर सारा अमूल का, उसके बाद प्याज और गार्लिक और वो सब पूरी इसकी पेस्ट डाली है। एंड इससे ये जो है ना पाव को मतलब स्टफ़ करेंगे थोड़ा सा जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है पाव में। तो मुझे काफ़ी सही लगा बिकॉज यूजुअली यहाँ पर ऐसी स्टफिंग नहीं मिलती है, बस बेसिक पाव मिल जाते हैं जम्मू वाली साइड पर। तो ये जो भाजी है वो बढ़िया सी हमारी तैयार हो रही है और प्लेट लग गई है मेरी भाजी की। तो 2 पाव मिलते हैं आपको एंड 60 to 70 rupees है इसका प्राइस जिसमें आपको 2 पाव मिलते हैं और भाजी और उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डाला होता है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मक्खन है और दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। आप पाव देखो कितने अच्छे से इन्होंने पाव को जो है वो जो स्टफिंग है वो लगाई है। और बस अभी आगे चल के आप मेरा पूरा रिएक्शन देखने वाले हो कि मुझे कैसी लगी। तो पाव भाजी जो है वो आ चुकी है, अब टेस्ट करती हूँ फिर बताती हूँ कि ये कैसी है। सो लेट्स सी। ये चटनी डाली है इन्होंने, बहुत बढ़िया सी लग रही है जो कि मतलब क्या स्वाद है। हाँ हाँ हाँ, एक और बाइट खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस, बहुत अच्छे से आप देखो कि पाव भी जो है इन्होंने कितने अच्छे से किया है इसको और काफ़ी अच्छी है। तो यस, आई डेफिनेटली रिकमेंड आप आओ यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। लोकेशन मैंने बता दी है आपको, तो मैं ये ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी एक और नए स्ट्रीट फूड के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय। मैंने सोचा कि वीडियो के बिहाइंड द सीन्स में क्या होता है वो भी आपको दिखाया जाए, तो इसीलिए ये रहा थोड़ा सा ग्लिम्स उसका। मैं आपको बस पूछूंगी कि आप कब आते हो सुबह और ठीक है, बॉम्बे स्पेशल आपका कुछ है क्या बॉम्बे के साथ कोई कनेक्शन? तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।